गाइस वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक कुर्ती मेकअप कैसे करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लैक कुर्तीज पे कौन सा मेकअप करें। सो मैंने ये लुक स्पेशली क्रिएट किया है, ग्लैम मेकअप लुक है। आप नाइट पार्टी मेकअप लुक भी कर सकते हो, फेस्टिव मेकअप भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू गाइस आप जिस पे चाहो ये लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फेस्टिवल पे ब्लैक कलर का कपड़े पहनते हो तो आप इजिली ये ब्लैक कलर का मतलब कि ब्लैक कुर्तीज के साथ आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो, ब्लैक साड़ी के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ब्लैक कुर्ती के साथ ही करो। सो गाइस आप ये लुक रक्षाबंधन पे भी कर सकते हो। आई होप कि आप सबको ये मेरा ग्लैम मेकअप लुक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट कर बताएगा कि लुक आपको कैसा लगा। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। सो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टोनर से। तो टोनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वादी हर्बल का कुकुम्बर टोनर, जो मेरा फेवरेट है। वैसे मैं लेवेंडर टोनर यूज़ करती हूँ, ये मेरी दीदी का था कुकुम्बर टोनर, वो कुकुम्बर का यूज़ करती है, मैं लेवेंडर का यूज़ करती हूँ। सो दोनों ही काफ़ी अच्छा है टोनर। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का विटामिन सी सीरम, और इस बार मैं वॉइस ओवर रात को कर रही हूँ जिसके लिए घड़ी का शायद आवाज़ होगा टिक 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 टिक, एंड थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ तो आएगा ही क्योंकि घर ही है यार, घर रोड के साइड में है, तो मेन रोड जो होता है ना उसके साइड में है। एनीवेज बात करते हैं मेकअप का। तो अच्छी तरीके से मैंने फेस पे लगा लिया है सीरम, एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे लिप सीरम, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो पिलग्रिम का था, ब्रांड पिलग्रिम का था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। सो मैं कोलकाता में कुछ ही मेकअप लेकर आई हूँ, तो इसके लिए मैं इधर भी जो भी मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट मैं लेकर नहीं आई हूँ, थोड़े बहुत ही लाई हूँ, तो इसके लिए बता दे रही हूँ। आईब्रो पेंसिल तो एक ही लाई हूँ। सो उसके बाद फिर करेंगे अपना बेस मेकअप। मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई करना भूल गई थी, आप चाहो तो प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने सीरम अप्लाई किया था इसके लिए मेरा प्राइमर स्किप हो गया, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड प्राइमर मैं लेके बैठी थी फिर भी भूल गई, क्या बोल सकती हूँ। उसके बाद मैंने ओलिविया का पेन स्टिक लिया, एक फ्लैट ब्रश के साथ पूरे अपने आईब्रोज को अच्छे से शार्प किया, फिर ओलिविया का पेन स्टिक पूरे फेस पे मैंने अप्लाई किया, एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आई लव दिस डैम ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे डैम ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में। सो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आई थिंक मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो जा रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, रात का टाइम है ना, सब सो रहे हैं इसके लिए। सो अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट। आप चाहो तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, पूरे फेस को, पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए। उसके बाद आई शेडो अप्लाई करेंगे, मतलब आई मेकअप करेंगे, बट अभी नहीं, अभी मैं ये आई शेडो पैलेट के साथ पूरा बेस मेकअप करने वाली, मतलब पूरा फेस मेकअप करूँगी। कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रॉन्जर आप देख सकते हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा ऐसा पैलेट लो जो मल्टी टास्टिंग हो, आप उसको मल्टी तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो आप देख ही सकते हो मैं इसमें से ब्लश भी अप्लाई करूँगी, और ये पैलेट है ब्यूटी ग्लेस्ट का कलर स्टूडियो पैलेट, बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग सा है, पिगमेंटेशन भी मस्त है। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैंने अपलोड किया, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने अभी रिसेंट में बाई किया था स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्द करूँगी आप लोग के साथ शेयर, तो इससे अपने बेस को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो बेस मेरा हो गया यहाँ पे सेट। अब हम अप्लाई करेंगे म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर, ओके, जो मैंने ट्राई किया था बट यूज़ बहुत कम करती हूँ, तो अगर आपको ऐसा आई मेकअप चाहिए तो आप जेल आईलाइनर ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही हल्का सा ड्रॉ करूँगी मैं विंग नहीं, नॉर्मल सा आईलाइनर, थोड़ा विंग अप्लाई करूँगी एंड उसको हल्का हल्का से स्मज भी करते जाऊँगी, आप देख सकते हो। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आईलाइनर आप अप्लाई करते हो ना, अगर आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लेके पेंसिल ब्रश में इसको मैं स्मज करूँगी, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्मोकी आईलाइनर लुक चाहिए, स्मोकी आईज नहीं कर रही हूँ, स्मोकी आईलाइनर लुक चाहिए, ओके। सो इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही किया है। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी, उस पर उसको स्मच करूँगी। अब मैं धीरे धीरे ना डार्क टू लाइट होते जाऊँगी,
पहले मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लिया है इसको स्मच करने के लिए, फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ आप देख सकते हो, ताकि अपने क्रीज लाइन को इन्हेंस कर सकूँ। तो क्रीज लाइन पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। ओके सी पूरे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, एंड जो मैंने डार्क शेड अप्लाई किया था ना उसको भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी आप देख सकते हो। एंड सेम इसी शेड को मैं थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि अपने लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अब भी हमेशा लोअर लैश लाइन पे ज़रूर से अप्लाई करें। सो आई मेकअप डन हो गया, तो अब आई लैशेज को थोड़ा कर्ल करेंगे एंड मार्स का मस्कारा से आई मेकअप को डन करेंगे। मैं यहाँ कोई काजल वगैरह आई लाइनर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही सिंपल सोबर आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अब आ रही है ब्लश अप्लाई, सॉरी हाईलाइटर अप्लाई करने का, तो आप देख सकते हो मैं सेम पैलेट से हाईलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ। सी एंड कितना मस्त सा ग्लो आ रहा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके सो पूरे फेस पे मैं अच्छे से हाईलाइटर कर रही हूँ, नोज़ किपिड बो ब्रो बोन इनर कॉर्नर्स चिन हर जगह अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। सो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का बुलेट लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है आई थिंक 01, नेम याद नहीं है उसके लिए सॉरी। तो ये ब्राउन सा शेड है, न्यूड ब्राउन शेड, न्यूड शेड है, बट मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा रेड शेड होना चाहिए, तो मैंने एक नॉर्मल सा लोकल मार्केट का लिपस्टिक लिया था, उससे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। था मेरा आज का मेकअप लुक, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट कर देगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।